नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसे हमने कट किया है। जितनी लंबाई रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल भी लिया है 6 इंच। गले की चौड़ाई 3 इंच लेते हुए इस तरह से निशान करेंगे। अब लंबाई का निशान करना है। लंबाई पूरी ही लेना है चौकोर गले पर यह डिजाइन से, तो पूरा ही इसे कट करेंगे। तो ये सीधा हमने निशान कर दिया। अब इसको यहीं से सीधा कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसे कपड़े पर रखते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह से कपड़े पर रखते हुए इसको कट कर लेंगे। तो इसको भी बराबर से रखते हुए देखिए, इस तरह से कट कर लिया। तो ये दो पार्ट इसके इस तरह से करने हैं। अब इस तरह दोनों को मिलाकर रखना है। सीधी वाली साइड हमने ऊपर की तरफ अस्तर को रखा है, और देखिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखना है। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगानी है। अब गले पर लगाएंगे और साथ में ही नीचे की तरफ भी लगा देंगे। तो इस तरह सिलाई इस पर डलेगी। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है उस पर भी डालना है। दोनों पर हमने सिलाइयाँ लगा ली है। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे, उसके बाद इसको इस तरह से पलटना है। इस तरह से पलट लिया। अब सिलाई लगाएंगे, गले पर इस तरह सिलाई लगा देना है। पलटने के बाद गले पर लगाएंगे और साइड से सिलाई डाल देंगे। तो हमने देखिए गले पर लगा ली। अब इधर से भी सिलाई डाल देना है। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है उसको भी तैयार करना है। इस पर भी इसी तरह से सिलाई हमें डाल लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से इस पर भी सिलाई पूरे पर लगा लेंगे। दोनों पार्ट इस तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद आगे की जो डिजाइंस है, अब देखिए दोनों पार्ट तैयार कर लिया। अब आगे की डिजाइंस बनाने के लिए हमें ये डोरी बना कर लेनी है इसी कपड़े से। तो ये हमने डोरी बना कर ली है। अब इसको कट कर लेना है। 9-9 इंच की कट करेंगे। तो ये देखिए 9 इंच की हमारी आएगी। इसी तरह से हमें कट कर लेनी है। ये साथ हम इस तरह से कट कर लेंगे। सात या आठ इस तरह से ले लेनी है। तो बराबर से ही सभी कट करेंगे। तो इस तरह देखिए, हमने बराबर से सभी को कट कर लिया। अब इस तरह यहाँ पर इसको बांधना है। बांधने के बाद इसमें मोतियाँ डालेंगे। पहले इस तरह से डालेंगे तो निकल जाएगी। पहले बांध लेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे। एक बराबर से करते हुए इसको इस तरह से लेना है पहले। तो ये देखिए, इस तरह लेने के बाद अब यहाँ पर इसको पकड़ कर अच्छे से बांध लेना है। अब धागे से इसको इस तरह से बांध देंगे। पहले अच्छे से बांध लेंगे, उसके बाद दोनों साइड से मोती इसमें डाल देंगे। एक एक दो दो करके इस तरह से डाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह इसको बांध दिया अच्छे से। अब उसके बाद सिलाई को पक्का करते हुए कट कर दिया। अब इसमें मोतियाँ डाल लेनी है। सभी डिजाइनों में इस तरह से डालनी है। एक या दो ऐसे कर करके, किसी में दो किसी में एक करके डाल देंगे। तो हमने डाल लिया। अब इसको साइड में रखेंगे और देखिए इस तरह से डिजाइंस। अब ये बीच वाला पार्ट जो है उसी में से, ये गले वाला जो पार्ट है उसी में से हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह से निकाल लेना है। अब ये चौड़ाई इसकी 3 इंच है। अब यहाँ से कट हो जाएगी। तो इस तरह इसको कट करना है। फिर कपड़े पर रख के कट कर लेना है इसी साइज का। अब कपड़े पर रख के कट करेंगे, फिर देखिए इस तरह से इस पर सिलाई डालेंगे। तब दोनों तरफ से सिलाई यहाँ पर डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद इसको पलटना है। ये देखिए, सिलाई हमने डाल दिया। अब इसका जो कपड़ा है उसको कट करेंगे। कट कर लिया। अब यहाँ से पलट कर इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह इसको निकाल लेना है। तो ये हमने देखिए इस तरह से इसको निकाल लिया। अब किनारे से एक सिलाई दोनों तरफ से लगा देनी है अच्छे से। कपड़े को निकालते हुए देखिए इस तरह सिलाई लगाएंगे। इधर भी लगाएंगे और उस साइड भी लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई हमने देखिए इस तरह लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब लेना है
यहाँ पर हमने देखिए गोल्डन डोरी लिया है, यहाँ से इसको लगाएंगे। दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड से लगाना है। ये ऊपर की तरफ लगा देंगे और नीचे भी इसी तरह से लगा देना है। इन दोनों तरफ से इसको इस तरह से लगा लेना है। इधर से लगाया, अब इस साइड से भी लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ से इस पर इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इसको लगा लिया। अब इसको यहाँ पर रखते हुए एक सिलाई बीच में से डाल देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा फैलाकर इस तरह से लगाएंगे सिलाई। बराबर से देखिए सभी को फैलाते हुए इस तरह सिलाई लगा देना है। इसी तरह इस साइड भी करना है। दोनों तरफ से ये सिलाइयाँ इस तरह से लगा देंगे। बराबर से फैलाते हुए लगा देना है। फिर मोतियाँ ऊपर नीचे करके ऐसे फैला देनी है। तो ये देखिए इस तरह से लगा दिया। इसको इस तरह से कर देना है। तो ये डिजाइन हमने तैयार किया। अब देखिए डिजाइन के लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। 3 इंच का चौकोर लेंगे और इस तरह से इसको कट करेंगे। अब देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह सभी डिजाइनें बना लेनी है। गले के दोनों साइड से भी ये लगेगी, बीच में से ये पार्ट लगेगा। इसको लास्ट में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको लगा दिया था। अब डिजाइन थोड़ा चेंज करेंगे, इसे इस डिजाइन को लगाने के बाद लगाएंगे। अब गले पर हमें लेस लगाना है, तो इसको निकाल दिया हमने। और देखिए अब इसको इस तरह से लगाना है। पहले इसे लगा लेंगे, अब इसको बराबर से रखते हुए। अब यहाँ पर देखिए हमने इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो पहले इसे नाप लेना है, जितनी चौड़ाई, एक चौड़ाई आप कम ज़्यादा ले सकते हैं गले की। अब इस साइड भी बराबर से मिला लेंगे, जहाँ से हमने जितना इस साइड लिया है, निशान का लिया, इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे 6.5 इंच चौड़ाई लेते हुए फैलाया है। 6.5 या 7 इंच ले सकते हैं। अब दोनों तरफ से इस तरह बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। एक तरफ हमने लगा दिया, अब इस साइड से भी इस पर सिलाई लगा देना है। ये इसको लगा लिया इस डिजाइंस को। अभी वो वाली डिजाइंस लगाएंगे। पहले लेस गले पर, ये डोरी जो लगाई है, अब यहाँ पर गले पर भी लगेंगी। ये गोल्डन डोरी लेंगे, चाहे तो पतला लेस ले लें या डोरी। डोरी ज़्यादा सही रहेगी, डोरी ही हमने यहाँ पर भी लगाई है, गोल्डन डोरी। अब यहाँ से देखिए इस तरह इसको लगाएंगे। 3 बार लगाना है। इसे लगाने के बाद वो वाली डिजाइंस लगाएंगे। पहले ही हमने लगा दिया था, फिर थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज किया। तो इस तरह देखिए इसको लगा दिया। अब वो वाली डिजाइंस लेंगे जो हमने तैयार की थी। देखिए इस तरह से जो डिजाइनें तैयार की थी, 3 इंच के चौकोर कपड़े पर इस तरह फोल्ड करते हुए सारी डिजाइनें जो हमने बनाई थी, देखिए यहाँ पर इस तरह इसको लगाना है। तो जो डिजाइनें बनाई थी वही डिजाइंस लेंगे और इस तरह से हम लगाएंगे। ये जो बीच में हमने बीच वाली लाइन डोरी की लगाई है, बिल्कुल उसके ऊपर से रखते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगाना है। बीच में 2 पॉइंट का गैप दे देना है। एक दूसरे में टच नहीं करेंगे, थोड़ी दूरी रखेंगे, इसलिए जितनी दूरी देना है, गैप देना है 2-2 पॉइंट का, और इस तरह से लगा देना है। अब इसी तरह इस साइड भी लगेगी। अब डिजाइन इस साइड की पूरी कर लेंगे, उसके बाद उसी तरह से उस साइड भी बना लेना है। अब ये कपड़े का कतरन लेंगे, अस्तर वाले कपड़े का कतरन ले लेना है। उसके बाद ये मेन वाला कपड़ा लेना है, इसके अंदर इसको भरना है। और फिर देखिए डोरी लेंगे, ये हमने डोरी कट की है 5-6 इंच की, और इसमें अंदर से डोरी को रखा। अब यहाँ से पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको बांध धागे से अच्छे से टाइट से बांधते जाएंगे। धागे से इस तरह टाइट से बांधने के बाद अब कपड़ा जो स्ट्रा कट कर देंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे, और इसको इस अच्छे से इसमें लपेटते हुए इस धागे से बांधते जाना है।
ताकि निकला हुआ ना रहे अच्छे से। मैचिंग का ही धागा लेना है ताकि ज़्यादा समझ में ना आए, और इस तरह इसको बांध देंगे। देखिए हमने धागे को अच्छे से लपेटते हुए कपड़े को इसी में लपेट दिया है। उसके बाद इसमें हमें मोतियाँ डाल लेनी है। अब दो मोती इसमें डाल लेंगे और इस साइड भी इसी तरह से बना लेंगे। जैसे हमने उस साइड लटकन बनाई है डोरी के, इस साइड भी इसी तरह बना लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ बना लिया है। इसी तरह हमें पांच लेनी है, दो इस तरह से दो दो करके लगाई और एक सिंगल लिया है। ये पांच हमने लिया है। अब इस तरह यहाँ पर इसको लगाएंगे। अब बराबर से फैला लेना है, पहले छोटी बड़ी करते हुए इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पकड़ कर सिलाई लगा लेंगे, हाथ से ही पकड़ कर सिलाई लगा कर इसको अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह हमने इकट्ठा की हुई है। अब देखिए इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई से इसको लगाते हुए अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद ये साइड के जो डिजाइन है उसको बनाना है। अभी मोतियाँ फिर इस तरह फैला देनी है। अब ये जो साइड वाली डिजाइन है इसको इस तरह से बनाना है। इस तरह करते हुए बीच में सिलाई लगाएंगे और एक बटन सॉरी एक मोती लगा देंगे। तो बीच में धागे को निकाला। अब एक मोती लेना है और बिल्कुल बीचों बीच इसके इस तरह लगा देंगे, और एक सिलाई एक किनारे में से भी पकड़ कर लगा देंगे कपड़े को। इसी तरह सारी डिजाइनें अभी ये बना लेनी है। फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह लगाना है, इसी तरह सभी बनाते जाना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने डिजाइनें बना ली है। अब ये हमारा डिजाइन बनके तैयार हुआ। लास्ट में इसका प्लेट्स बनाएंगे। डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोनों प्लेट्स बराबर से बना देंगे। तो इस तरह हमें दोनों प्लेट्स इसके बना देने हैं। तो इस तरह आप चौकोर गले पर डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और प्यारा सा पैटर्न है। तो डिजाइन अगर हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।